नमस्कार, मैं डॉक्टर रीना मालपानी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के अवसर पर मैंने अपने मनोभावों को कविता के रूप में पिरोया है। मेरी कविता का शीर्षक है माँ एक अतुलनीय एहसास। माँ शब्द में छिपा कितना सुंदर एहसास है, 9 महीने का ज़्यादा जुड़ाव बनाता इसे खास है। मैं बचपन में हमेशा करना चाहती थी मनमानी, पर माँ कोशिश करती कि मैं बनूं जल्दी से सयानी। जरा सी तबीयत बिगड़ने पर तुरंत नज़र उतारती है, मेरी जरा सी खुशी पर पता नहीं क्या क्या वारती है। मेरी नाराज़गी भी उसके लिए प्यार का भाव है, मेरी सदैव चिंता करना यही उसका सरल स्वभाव है। मैं कभी कभी जिद्दी बन देती उसे उलाहना, पर वो सदैव चाहती मुझे प्यार से संभालना। मुझे परेशानी में देख तुरंत ईश्वर को मनाती है, यही कोमल स्वभाव तो मुझे उसके और करीब लाती है। मेरी हर बीमारी के लिए उसके हाथ में संजीवनी है, ईश्वर की इस सृष्टि में वह तो प्रत्यक्ष भगवान बनी है। मैंने तो मनमानी लात मारना कोख में ही शुरू कर दी थी, पर फिर भी मैं उसकी सबसे सुंदर और प्यारी दुनिया थी। मेरे लिए प्रसव पीड़ा भी मुस्कुराते हुए उठाई, दिन रात के कालचक्र में मेरी देख रेख ही उसे भाई। मेरे गर्भ में आते ही अपनी पसंद नापसंद सब कुछ भूल गई, मेरी उन्नति के चक्र में वह तो थककर बैठना भी भूल गई। मैं तो आज तक भी माँ को यूं ही सताती हूँ, रूठ कर अपनी बात मनवाती हूँ और इचलाती हूँ। मनोभावों को पढ़ने का हुनर पता नहीं माँ को कहाँ से आता है, जो मेरे मन की हर थाह को तुरंत भाप जाता है। मेरी माँ को रूठने का गुण नहीं आता, और मेरा दुख तो उसे स्वप्न में भी रास नहीं आता। जब पहली बार वह मेरे आने को जान पाई, उसी दिन से अपनी सारी दुआएं मुझ पर लुटाई। डॉक्टर रीना कहती माँ तो एहसासों की अतुलनीय अनुभूति है। डॉक्टर रीना कहती माँ तो एहसासों की अतुलनीय अनुभूति है, माँ के बिना तो जीवन मात्र रिक्त है। धन्यवाद।